हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग दैट इज लाइफ विद अजय. कोई नहीं है एक्चुअली. शुभी का स्कूल स्टार्ट हो चुका है सो इस वजह से अभी मैं अकेली हूँ. एंड आज का जो एपिसोड है वो इसमें सिर्फ मैं ही आने वाली हूँ. होपफुली आपको पसंद आए. आज का जो एपिसोड है वो हम लेके आए हैं वास्तु ऑफ योर ड्राइंग रूम या फिर लिविंग रूम भी जिसको कहेंगे. सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ अबाउट 99% ऑफ माई वीडियो वॉचर्स आर नॉट सब्सक्राइब टू मी. दे लाइक द चैनल, इतना मुझे समझ आ गया है. दे लाइक द कंटेंट बट दे आर नॉट सब्सक्राइब. सो सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं होती है. इट इज़ टोटली फ्री. आपको बस अपनी ईमेल आईडी से यूट्यूब में लॉग इन करना है एंड उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. डिस्क्रिप्शन में भी आपको सब्सक्रिप्शन के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अगर आप वहां जाए तो वहां जाके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन का वास्तु में बहुत ज़्यादा महत्व होता है. एंड अगर हम एक लिविंग रूम या फिर अगर हम एक ड्राइंग रूम की बात करते हैं सो कुछ लोगों को पसंद आता है कि वो अपने घर में काफ़ी उनके गेस्ट आए, आना जाना लगा रहे. तो ऐसे लोगों के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपना लिविंग रूम बनवाते हैं तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज इट सिग्निफाइज योर विंड, यानी कि कॉन्स्टेंट फ्लो एनर्जी का होगा. तो वहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते रहेंगे. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको शांति पसंद है, आप नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आपके घर में आए, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपना लिविंग रूम ना बनवाएं. अब हम बात करते हैं दूसरी डायरेक्शन जो कि है साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सो बेसिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन सिग्निफाइज अर्थ, यानी कि पृथ्वी. सो जब भी इस डायरेक्शन में आपका लिविंग रूम रहेगा या ड्राइंग रूम रहेगा तो गेस्ट आपके घर पे आके दे विल फील कंफर्टेबल एंड दे वुड वांट टू स्टे लॉन्गर. सो अगर आप अच्छी पार्टी करना चाहते हैं, आवभगत करना चाहते हैं, तो अपना लिविंग रूम आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनवाएं, अदरवाइज आप इस डायरेक्शन को अवॉइड करें. इसके बाद बात आती है हमारी फ्लोरिंग की. सो बेसिकली आपकी जो फ्लोरिंग होनी चाहिए, आपके लिविंग रूम की जो फ्लोरिंग होनी चाहिए, इट शुड बी ईदर नॉर्थ और ईस्ट स्लोप्ड. बेसिकली जो उसका स्लोप जाएगा वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए. प्लस आपका कोई भी शोकेस या कोई भी हैवी स्टफ, आपको इसे रखना चाहिए साउथ और वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. एंड जो घर का हेड होता है, बेसिकली व्हेन सम गेस्ट अराइव, ही और शी शुड सिट इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ दैट लिविंग रूम. और इसके साथ साथ जो आपका कोई भी, अगर आपके लिविंग रूम में टीवी वगैरह है, सो यू शुड प्लेस दैट इन द ईस्टर्न वॉल ऑफ द रूम. सो बेसिकली आपको ईस्ट डायरेक्शन देखना है कि आपके लिविंग रूम का ईस्ट डायरेक्शन क्या है. वहाँ पे कोई वॉल है तो उस पे आपको अपना टीवी लगाना चाहिए या कोई भी टाइप की स्क्रीन, बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस की कोई चीज़ हो वो वहाँ पे लगाएं. सो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा. इसके बाद अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, फिगरेंस की बात करें, सो बेसिकली कोई भी रिलीजियस टाइप की पेंटिंग, कोई गुरु की पेंटिंग या कोई भगवान की पेंटिंग अगर आप चाहें तो आप उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं. आप कोई एनिमल्स की जो पेंटिंग्स होती है वो ना रखें, बिकॉज इट कैन क्रिएट नेगेटिविटी इन योर हाउस एंड आई बिलीव यू वुड नॉट लाइक दैट. इसके अलावा अगर आप अपने लिविंग रूम में वाटर टैंक या वाटर बॉडीज या फिर फिश टैंक रखें, एक्वेरियम जिसको हम कहते हैं, या फिर कोई फ्लोइंग वाटर का कोई फिगरीन रखें, तो इसको बहुत ही अच्छा माना गया है. दिस काइंड ऑफ अ बॉडी क्रिएट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड जो उसकी आवाज़ आती है, एक कल कल आवाज़ जिसे हम कहते हैं बेसिकली, वो आवाज़ बहुत अच्छी होती है. इट प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव एनर्जी टू योर हाउस. फिगरीन्स एंड आर्टवर्क के बाद अब हम आते हैं फ्लावर्स की बात पे. सो बेसिकली इन योर लिविंग रूम यू शुड हैव फ्रेश फ्लावर्स.
जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं या फिर पुराने मर गए हैं जो फ्लावर्स, आपको उनको नहीं रखना है। इसके साथ साथ आप प्लांट्स में अगर रखना चाहें तो बाम्बू जो होता है वो बहुत अच्छा माना गया है, लकी बाम्बू, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, प्लांट से रिलेटेड जो वीडियो थी उसमें। एंड सेकेंडली, अगर आप मनी प्लांट रखें वाटर में डक करके हाइड्रोपोनिक के तरीके से, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है घर के अंदर के प्लांट के हिसाब से। अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर के बारे में। सो बेसिकली, जो आपका फर्नीचर होना चाहिए आपके लिविंग रूम में, इट शुड नॉट बी इन एन ऑड सिमेट्री काइंड ऑफ अ शेप, लाइक इट शुड नॉट बी ट्रायंगुलर और सर्कुलर और एग शेप, इट शुड बी सिंपल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, जिसे सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आप कोई और शेप का लेके आते हैं, आई नो आजकल बहुत ट्रेंडी चीज़ें चल रही है, बट दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द हाउस, बिकॉज वहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं है। सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें नेक्स्ट टाइम जब आप अपने घर के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं, कि ट्राई टू मेक इट एज मच सिमेट्रिकल फॉर द हाउस एज पॉसिबल, ताकि किसी टाइप की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम करते हैं कलर की बात। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, मैं वही चीज़ अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि कलर आप लाइट रखें, लाइक येलो, अ क्रीमिश कलर और एनी लाइट कलर्स, द पेस्टल कलर्स, इस टाइप के कलर्स आप रखें जो सूदिंग हो। ग्रीन कलर इज़ अ वेरी वेरी नाइस कलर एंड आई रियली वॉन्ट टू पुट इट ऑन द बैक of this back wall, but अभी time है anyway. So इस टाइप के colors आप रखें and ये एक peace and calm provide करते हैं जो आता है उसके लिए भी, and जब आप खुद अपने drawing room में बैठेंगे, अपने living room में बैठेंगे, तो उस time के लिए भी। grey, blue and black colors are a strict no-no for the walls and as well as for the floors. So आप इनको avoid करें। Next आता है about camouflaging. So basically, अगर आपके living room में कुछ visible beams हैं, the beams that are in the roof and one can see through, it can create a negative energy. So आप उसको किसी तरीके से camouflage कराएं या फिर आप उसको cover करें, maybe by using a false ceiling. So इस type की चीज़ें करके you can provide that camouflaging effect and उसकी वजह से जो negative energy है वो build-up नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने घर में एक chandelier लेके आएँ, तो first of all वो chandelier बड़ा होना चाहिए, it should not be a small chandelier. बट एज पर द स्पेस यू हैव, उस हिसाब से एक बड़ा चैंडेलियर, और इसको आप रखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ताकि किसी भी टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन ना पैदा करे, एंड दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन टू कीप अ चैंडेलियर इन द लिविंग रूम। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कर्टन से रिलेटेड। सो कर्टन्स में आपको कलर्स की कोई मनाही नहीं है, आप चाहें तो आप लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डार्क कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने अपने लिविंग रूम में मिक्स एंड मैच कर रखा है, सो देयर इज़ बेसिकली ब्लू, अ रॉयल ब्लू एंड अ क्रीम। सो दिस इज़ अ पैटर्न लाइक टू रॉयल ब्लूज एंड इन बिटवीन देयर इज़ अ क्रीम कलर्ड। रिसेंटली मैं उसे ग्रीन एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन बनाने का सोच रही हूँ, बट जस्ट अ थॉट। एनीवेज, तो आप वो कर सकते हैं। अगर हम लाइट इन डार्क कलर्स की बात करते हैं, तो देयर इज़ अ डायरेक्शन फॉर दैट ऑल्सो। आप लाइट कलर के कर्टेंस लगाना चाहते हैं, सो उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रखें, एंड अगर आप डार्क कलर के लगाना चाहते हैं तो उसके लिए साउथ वेस्ट रखें। ऑल दो आई अंडरस्टैंड कि विंडो पे डिपेंड होगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर्स ऑफ योर चोजन कर्टेंस, बट डायरेक्शन के हिसाब से आप कर्टेंस ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं सीटिंग की बात। सो बेसिकली एक लिविंग रूम में सीटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वास्तु के हिसाब से, बिकॉज उसी पे डिपेंड करेगा वेदर योर गेस्ट विल फील कंफर्टेबल एंड पीस ऑफ माइंड, अ रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट। सो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, जो कि एज पर वास्तु सबसे बेस्ट डायरेक्शंस मानी गई हैं एक लिविंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, फिश बॉडीज़ या फिश टैंक से रिलेटेड। सो बेसिकली एन एक्वेरियम शुड बी प्लेस्ड इन योर लिविंग रूम, बट वो वाटर बॉडी या फिर एक्वेरियम, फिश टैंक जिसे हम कहते हैं, वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ उसे हल्का सनलाइट आए, बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आए, बिकॉज सी एक्वेरियम्स में एल्गी टेंड्स टू ग्रो बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सो आप ऐसी जगह रखें उसे जो कि
सन हो बट बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक अ ट्रांसपेरेंट मे बी दिस पार्शियल सनलाइट दैट इज़ कमिंग अलॉन्ग, लाइक जैसे हम कुछ इंडोर फ्लावर्स के लिए, प्लांट्स के लिए करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे एक्वेरियम के लिए भी कर सकते हैं। आजकल एसी तो सबके घर में ही होता है एंड साथ साथ लिविंग रूम में भी लोग के एसी होने लग गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा गेस्ट भी घर में घूमता रहे, राइट। सो जब भी आप अपना एसी लगवाएं तो उसे एक वेस्ट वॉल पे लगवाएं, वो बेस्ट रहेगा आपके लिविंग रूम के लिए। एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो इज लाइटिंग। सो बेसिकली आपका लिविंग रूम शुड बी वेल लिट, सनलाइट अगर आ रही हो तो उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। सुबह एंड शाम को आप सनलाइट आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आई अग्री, दिन के लिए आजकल सनलाइट बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, बट मॉर्निंग का जो एक टाइम होता है जब आप बैठते हैं आराम से, वहाँ पे अगर सनशाइन आ रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा शाइनी ब्राइट बल्ब्स या बड़े बड़े लैम्प्स अगर आप अपने लिविंग रूम में लगाएंगे तो इट विल क्रिएट मोर पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज लाइट क्रिएट्स energy basically, and it will create more positive energy for your house, for your living room, for the people who are living there. So इसी के साथ मेरा ये वाला video यहीं पर ख़त्म होता है। Hopefully आपको ये tips पसंद आए हों, कुछ लोगों के लिए helpful भी हों, और जिनका कुछ अगर अच्छा ना time चल रहा हो तो मे बी इन pointers से वो कुछ सीख सकें, कुछ change कर सकें, उनकी life में कुछ positivity आ सके। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो हु है सब्सक्राइब्ड इज ओनली द 1%। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसी टाइप की और कुछ वीडियोज़ लाते रहेंगे, एटलीस्ट जब तक मैं बाहर घूमना फिरना नहीं कर सकती हूँ तब तक तो मैं इस टाइप का कुछ ना कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स इस टाइप के लाने की कोशिश करती रहूँगी। एंड होपफुली आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आए। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।